नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज शुरू के एक सुबह के कारोबारी सत्र में शुरुआत में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसा सीड अभी भी सीमित दायरे में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। बात करेंगे जनवरी वायदे की तो देख रहे हैं कि कैसा सीड का जनवरी वायदा 5776 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की गिरावट के साथ। रूपा जी, जैसा आपने कल बताया था कि कैसा नीचे में 5600 से 5700 तक गिरता नजर आ सकता है, 5700 का लेवल आज हमने टच होते हुए देख लिया है कि और 5700 पर कारोबार भी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कैसर में धीरे धीरे जो गिरावट है वो और गहराती जाएगी? देखिए, मुझे फिलहाल लगता है कि 5600 के आसपास एक बार मार्केट सपोर्ट ले सकता है और 5600 के आसपास इसमें बाइंग आ सकती है। इनफैक्ट जनवरी वायदा नहीं तो फरवरी वायदा में 5600 के आसपास एक बार बाजारों में वापस से खरीदारी लौट सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए करंट लेवल से 100 से 150 रुपए की गिरावट अभी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर बिनौला खल की तो देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी वायदा 2971 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2983 का ही लगा चुका है, आधे फीसदी की करेक्शन है। रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला खल 3000 के करीब जाता नजर आ रहा है, क्या ऐसे एक्सपेक्टेड है कि इस कारोबारी सप्ताह बिनौला खल 3000 का लेवल छू ले? देखिए अखिलेश, कल हमने अच्छी तेजी आते हुए दिखाई दी थी और बिनौला खल 1990 के आसपास शायद हाई लगा था कल जनवरी वायदा में, और 3000 बिल्कुल संभव है ये लेवल टच हो सकता है, जबकि फरवरी में 3000 का लेवल हम देख चुके हैं। और जनवरी वायदा की बात करें तो आज थोड़ी करेक्शन है तो 2960 से 2940 में भी डाउनसाइड में जा सकता है, लेकिन जैसे ही 3000 के ऊपर निकलेगा मुझे लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है और 3200 तक के स्तर फिर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। आज जिस तरीके से मार्केट करेक्शन दिखा रहा है तो क्योंकि लगातार बाजार सस्टेन था ऊपरी स्तरों पर और एक रैली बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये उससे पहले की एक करेक्शन है जो कि नीचे में 2940 तक मैक्सिमम लगता है कि जा सकती है। इससे ज्यादा फिलहाल गिरावट दिखाई नहीं दे रही है, 2940 के आसपास सपोर्ट आ सकता है और अगेन मार्केट जो है वो तेजी की तरफ ही है। जी, ये सिर्फ रूपा जी मसालों की बात करें तो मसालों में देख रहे हैं कि आज भी नरमी के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, चाहे हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो, देख रहे हैं कि नरमी ही देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या नए साल के आगमन पर मसालों में कुछ हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, मसाले सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, एक्सपोर्ट डिमांड अगर पिकअप होती है तो इनमें तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में देखिए करेक्शन आ रहा है, लेकिन इस करेक्शन में बाइंग का ही रिकमेंडेशन रहेगा। फिलहाल सबसे पहले बात करें अगर हल्दी की तो हल्दी मुझे काफी अच्छी लगती है, अगर यहाँ पर करेक्शन आती भी है 8800-8850 के आसपास तो वहां पर हल्दी में लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी बाइंग की लेकर चल सकते हैं। आज इंट्राडे में भी एक बार एक्सपेक्टेड है कि 9080 से 9920 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं जीरा भी 16000 के ऊपर सस्टेन है तो जीरे में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है और 16500 से 17000 का स्तर भी आने वाले दिनों में जीरा छू सकता है। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया अभी थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दिखा रहा है, 8580 से लेकर 8880 एक बार सपोर्ट है, अगर इसको होल्ड कर गया तो वापस से बाउंस बैक आएगा जो कि 9000 तक ऊपर जा सकता है। तो हल्की करेक्शन है आज मसालों के अंदर और इस करेक्शन के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलने में आने वाले दिनों में मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी, ये सर ऊपर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का जनवरी वायदा 10905 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.5% की करेक्शन है। ग्वार सीड का जनवरी वायदा 6070 पर, 0.25% की करेक्शन के साथ। रूपा जी, देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड एक सीमित दायरे में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, एक दिन तेजी बनती है तो अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आती है, यही दौर हम काफी समय से ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों के अंदर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो सीमित दायरा है कब तक आगे जारी रह सकता है? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड में बिल्कुल अभी हम जो है एक रेंज बाउंड देख रहे हैं, मार्केट में काफी उठा पटक देखने को मिलती है, कभी ऊपर का सर्किट तो कभी नीचे का सर्किट, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, ग्वार के अंदर भी तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी आज इंट्राडे में जरूर करेक्शन है और ये करेक्शन हो सकता है आपको जनवरी वायदा नीचे में 10500 तक ले जाए और वहीं अगर सीड की बात करें तो ये भी 5980 तक नीचे लुढ़क सकता है। वापिस से वहां से बाउंस बैक आने की उम्मीद है कि बाजार सस्टेन करेगा और वापिस तेजी में आ सकता है, लेकिन इंट्राडे में हल्की गिरावट अभी और बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑलरेडी मार्केट 1.5% टूट चुका है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करेक्शन थोड़ा बढ़ सकता है और 10000 जो है नीचे में अगर देखा जाए तो 10600 से लेकर 10200 तक आज बाजार लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर अब सोयाबीन की
तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं कि 6310 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6400 का ही लगा चुका है, 1.5% की करेक्शन है। रूपा जी, कल के कारोबारी सत्र में हमने सोयाबीन को 6400 के ऊपर भी ट्रेड करते नजर देखा था, हालांकि हम देख रहे हैं कि आज भी सोयाबीन 6400 के लेवल पर ही खुलती नजर आई है। रूपा जी, आपको यहाँ से क्या लगता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि US के अंदर सोयाबीन और मक्के की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, ब्राज़ील में भी जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी सही नहीं बताई जा रही है, गर्मी हॉट वेदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है वहाँ पे, साउथ अमेरिका के अंदर वहाँ पे वेदर कंडीशंस की वजह से सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है थोड़ा कम बताया जा रहा है, हालांकि रिकॉर्ड रह सकता है लेकिन थोड़ा कम बताया जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, जब तक विदेशों में तेजी है तो क्या यहाँ पे भारतीय तेल तिलन के बाजार में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिलती रहेगी? देखिए, बिल्कुल सपोर्ट जरूर वहीं से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वापिस से जिस तरीके से सोयाबीन में खरीदारी लौटी है और एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन में अभी करंट लेवल से भी 200 से 250 रुपए की तेजी और बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। मैक्सिमम अगर यहाँ से बाजार उठता भी है तो 6500 तक की अपसाइड मोमेंटम जा सकता है, और नीचे में 6200 है, तो आज थोड़ा सा करेक्शन में है मार्केट, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा नीचे जा सकता है, 6260 से 6240 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है जी। तो यानी कि 6200 से ऊपर में 6500, रूपा जी कह रही हैं कि आज ऐसे ही लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, हालांकि आज हो सकता है कि सोयाबीन की कीमतों में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी गहरा जाए, विदेशों में जो सोयाबीन के बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, उसका असर कहीं ना कहीं घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर भी जरूर पड़ता नजर आ सकता है, और वही हमने कल होते हुए भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि सोयाबीन 6400 पर खुलती नजर आई है, तो सोयाबीन में अभी विदेशों में तेजी का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फसल जो कॉटन क्रॉप है वो तो बारिश से ख़राब भी हुई है, और अब एक बार फिर से कॉटन पर कीटों का प्रकोप देखने को मिला है कई राज्यों के अंदर, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कॉटन 10,000 का लेवल पार कर पाएगी? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 10,000 तक के स्तर कॉटन में देखने को मिल सकते हैं, अभी कल हाल फिलहाल में मंडियों में हमने 9100 तक के इसके लेवल देखे हैं, और आप वायदा में भी देखिए 33,500 तक कॉटन ऊपर उछल चुका है, तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे 33,000 से 35,000 का स्तर आ सकता है, और 33,000 के ऊपर अच्छी तेजी आई है, और आज हल्की करेक्शन है लेकिन वही लेवल पॉजिटिव है, और 34,500 से 35,000 का स्तर वायदा में भी संभव है देखने को मिल सकता है, और वही जिस तरीके से क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही है बिल्कुल कॉटन में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर अब ये 9,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी रहती है मार्केट के अंदर तो आप मान के चलिए 9500 से 9800 तक का भाव जो है वो कपास में देखने को मिल सकता है, तेजी की तरफ है मार्केट और अभी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल आ रहा है, धीरज जी हैं जिनका सवाल दालों को लेकर आ रहे हैं, तुअर दाल के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी, हमने देखा है कि जो दालें हैं MSP से नीचे ही हैं, सरकार नहीं चाहती कि आगे चुनाव जैसे आ रहे हैं तो ऐसे में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़े, तो आपको क्या लगता है, MSP तो कम हो गई है, MRP भी थोड़ी बहुत अब कम होती नजर आ रही है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो जाता है, ऐसे में आपको क्या लगता है आगे दालों का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, अभी जो फिलहाल लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दालों के अंदर दबाव है और लगातार प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल आगे इलेक्शंस भी हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल नहीं लगता कि कोई दालों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई देगी, और अभी थोड़ा बहुत हो सकता है कि जैसे हमने पीछे देखा था कि मसूर की दाल में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बना था क्योंकि आवक कम थी, इस वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी उसके अंदर प्राइसेस के अंदर आती हुई देखी दिखाई दी थी, और इसीलिए थोड़ा सा बाजारों के अंदर एक पॉजिटिव मसूर के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया था मार्केट, लेकिन अभी भी देखा जाए तो बताया जा रहा है कि नई फसल की स्थिति काफी ठीक है, लेकिन बाकी अभी मौसम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, यदि उत्पादन ठीक बैठता है तो मसूर के दाम आगे चलकर कम हो सकते हैं, और वहीं देखा जाए तो चने के भाव अभी स्थिर है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आई नहीं है, और तुअर में अभी फिलहाल तेजी नहीं देखने को मिल रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत मसूर सपोर्ट ले सकता है लेकिन उसके अलावा बाकी दालों में प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, आगे चलकर दालों के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है जी। हिंसे रूपा जी, बात करें अगर सरसों की, तो सरसों को लेकर काफी सारे दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, सबका यही सवाल है रूपा जी कि क्या सरसों में पहली वाली तेजी देखने को मिल सकती है? रूपा जी, हमने एक चीज देखी है कि जैसे देश में इतना सरसों का स्टॉक था नहीं
और जो भी था ओमिक्रॉन की वजह से किसानों ने उसकी बिकवाली कर दी है और वो भी धीरे धीरे अब कंज्यूम होता नजर आ रहा है। अब अभी देख रहे हैं कि मार्च 2022 में सरसों की नई आवकें आएंगी, तो ये जो बचे कुछ महीने हैं क्या इस दौरान कुछ तेजी बनती नजर आ सकती है? क्या सरसों की किल्लत महसूस होने के चलते क्या सरसों की कीमतों में अभी भी तेजी बनती नजर आ सकती है क्या, या फिर जो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चुनाव है उसके मद्देनजर कीमतों में गिरावट आती रहेगी? देखिए अभी अभी सरसों के अंदर नई अराइवल के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है और सभी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए छुटपुट खरीदारी बनी रह सकती है और आगे चलकर गिरावट की उम्मीद है कि गिरावट बन सकती है। तो अभी थोड़ा बहुत भी अगर बाउंस बैक आता है तो मेरे हिसाब से सरसों में अगर तेजी बनती है तो वहां पर माल निकालने की ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा की मंडियों में हमने देखे हैं कि सरसों के फिलहाल गिरते हुए दिखाई दिए हैं और जो नवंबर में जो काफी तेजी थी और अब भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये गिरावट गहरा सकती है। तो अभी सरसों के अंदर जो भी बाउंस बैक मिले वहां पर एग्जिट करने में ही समझदारी होगी, क्योंकि अराइवल प्रेशर के चलते कीमतों पर दबाव बन सकता है। जी, तो यानी कि अभी जो चुनाव भी आने वाले हैं उसकी वजह से भी सरकार की पूरी पूरी कोशिश है कि आम जनता को महंगाई का सामना ना करना पड़े। और हमने देखा भी है कि जो बड़ी बड़ी खाद्य तेल की कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने खाद्य तेल के जो दाम है वो लगभग 15-20% कम भी कर दिए हैं, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खाद्य तेल की कीमतों में अभी एक हल्की नरमी देखने को मिली है। उसका असर मंडियों पर भी जरूर पड़ता नजर आ सकता है। तो ऐसे में रूपा जी की तरफ से किसानों को यही सलाह रहेगी कि जो भी आपको ऊपरी स्तर मिल रहा है सरसों का वो उस पर अपनी सरसों निकाल दें, क्योंकि आगे सरसों की बंपर आवकें रहेगी, क्योंकि इस बार सरसों की बुआई का रकबा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है पिछले साल के मुकाबले। तो ओवरऑल जो सरसों की आवकें आएंगी तो ज़्यादा ही आएंगी, अराइवल प्रेशर एकदम से बढ़ता नज़र आएगा मंडियों पर सरसों का, जिसकी वजह से सरसों की जो कीमतें हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गिरती नज़र आ सकती हैं। ये जो 9,000 से 10,000 वाली जो रेंज थी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि 6,000 7,000 यहाँ तक भी सरसों जाए या फिर हो सकता है उससे थोड़ी नीचे भी जाए, हालांकि MSP से ऊपर ही बनी रहेगी सरसों, लेकिन 9-10 हज़ार वाली जो तेजी है हो सकता है वो कहीं ना कहीं खोती नजर आए। तो इसलिए रूपा जी की तरफ से यही सलाह है जो ऊपरी स्तर मिल रहा है आपको सरसों का उस पर अपनी सरसों निकाल दे। रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आज आपकी तरफ से एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज अभी तो फिलहाल सभी बाजार जो है वो करेक्शन के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हल्की हल्की गिरावट सभी कमोडिटीज के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बिनोला खल में आ रही गिरावट के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है, वहीं ग्वार के अंदर भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और इस पर रूपा मेहता की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं भी के लिए बस इतना ही, लेकिन हम कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मार्केट MC पर।